Students and parents from Jammu and Kashmir have hit out at the separatist Band. Yasmin Jan, a student, said that for the last 3 months, students have been sitting at home, their syllabus is incomplete, and their future is getting destroyed. While in Srinagar, Altaf Ahmed, parent of a student suffering from the Band called by the separatists, has also hit out at the separatists, saying school children are suffering majorly due to Bands, and that instead of giving them books, some goons are giving them stones. जो कश्मीर का यूथ है, चाहे उसमें बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनके सामने एक फ्यूचर है, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने उन्हें दबा के रखा है और उनके गुंडे उनको बाहर जाने नहीं देते हैं. इम्पैक्ट असर कश्मीरी यूथ पे पड़ रहा है, जो हमारी आने वाली नस्ल है वो बर्बाद हो रही है. जो बच्चे हैं वो इस वक्त प्रिपेयर नहीं कि वो एग्ज़ाम्स दे दे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं, ये जो सीज़न हमारा है ये फाइनल एग्ज़ाम्स का है. तो इस वक्त जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने वो पढ़ पाए हैं. हमारा मुस्तकबिल पूरी तरह से ख़राब होने को है. हम 3 महीने से पूरी तरह घर में बैठे हैं, हमें बाहर निकलने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे. ट्यूशन तो दूर की बात है, हम अभी तक किसी ट्यूशन में हमने जो जून तक सिलेबस कंप्लीट किया था बस उतना ही, वो तो 40% भी नहीं है वो सिलेबस. इसलिए हम 3 महीने से बिल्कुल घर में बैठे हैं, हमने कोई कुछ नहीं पढ़ा है. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे डेट शीट में कुछ तब्दीली आए.